इस समर में मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक था और प्लान भी कर रही थी, लेकिन फाइनलाइज्ड नहीं हो सका। लेकिन कोई बात नहीं, इस समर में हम लोग यूएसए में बहुत सारी जगह गए थे। सबसे ज़्यादा पसंद है सदगुरु के आश्रम पे जब गई थी और सदगुरु का दर्शन जब मिला था। और आज का ये वेकेशन भी बहुत अच्छा है, फैमिली गैदरेशन। बड़े जेठ जेठानी शिकागो से आ रहे हैं और उनके दो बच्चे भी है आ रहे हैं। यू नो, फैमिली का वेकेशन एक अलग ही होता है, कितना दिन के बाद मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? आज लेबर्स डे है, सो हैप्पी लेबर्स डे। और इसका मतलब समर इज़ ओवर। यूजुअली हम लोग जब लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ तो अरमानी, जोगी और मैं ही कार पे रहती हूँ। और लेकिन अभी हमारे साथ बड़ा भैया, जोगी का बड़ा भाई जो कनाडा में रहता है, वो भी आया है कॉटेज में जाने के लिए। तो यूजुअली अरमानी पीछे में अकेला बैठे रहता है, तो अभी उसको कंपनी मिला है तो अरमानी ने बहुत ही एंजॉय कर रहा है। और 4 घंटा कैसा बीत गया पता ही नहीं चला है। और सच में ये जो हम लोग इतना हाईवे में जाती हूँ, तो ये ड्राइव था काइंड ऑफ इनर अंदर, जो विलेज के तरह नहीं, विलेज के अंदर अंदर से था। तो मैं ये बहुत ही मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये हाईवे में जो हाई स्पीड में जब हाईवे पे आप जब चलते हो, तो इसमें क्या बोलते हैं, 65 माइल्स पर आवर रहता है। लेकिन ये जब विलेज के अंदर से जाते हो, तो ये स्पीडिंग रहता है 35 से 45 पर माइल्स में। तो ये स्लो स्लो रहता है ट्रैफिक। मुझे इस तरह का इनर ड्राइविंग बहुत पसंद आता है, विलेज के अंदर से आप जाते हैं, क्योंकि बिग सिटीज़ में हम लोग जब रहते हैं एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। और इस तरह पे आप जब जाते हो तब कुछ तो अंदर से आप तो जा देख नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर से जितना तक दिख सकता है उसमें से दिखता है कितना पीसफुली ये लोग रहते हैं। और एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, इन लोग अपना फ्रेश प्रोड्यूस भी बेचते हैं, जैसा एग्स है, वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स, नहीं तो ओट्स, ये लोग घर के सामने में रख कर ये सेल साइन लगा कर रखते हैं। तो हम लोग अभी इस बार तो हम लोग स्टॉप ओवर नहीं किए, लेकिन बहुत सारे टाइम पे मैं जोगी स्टॉप ओवर करता है तो हम लोग कुछ कुछ सामान खरीदे हैं। इन लोग के इधर से मैंने एक बार एग्स खरीदे थे, फ्रेश एग्स। उसका स्वाद इतना टेस्टी है, सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दुकान से हम लोग तो हमेशा ही खरीदते हैं, लेकिन उसका पता नहीं कितना दिन के बाद हम लोग के घर पे, हम लोग मार्केट से यू नो घर पे लाकर यूज़ करते हैं। लेकिन ये इधर पे जो विलेज में आप सामान पिक करते हो, तो इधर से फ्रेश तो मिलता ही है और उसका स्वाद भी एकदम टोटली डिफरेंट होता है। अब विलेज के बाद एक छोटा सा टाउन आया है और मैं देख रही थी, देखिए इतने सारे घर में कोई किसी ने बाहर पे बैठा नहीं है। और एक बात है, इस ब्लॉग में हम लोग बहुत सारी जगह पे बंगाली में बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बोले, मैं उस जगह को मैं हटा दूँगी। हम लोग जब ड्राइव पे जाती हूँ तो हमेशा यू नो सब कोई तो बातें तो करते ही हैं, तो मैंने बहुत सारी बातें रखना चाहती हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में हिंदी म्यूज़िक चलती है, तो उसी वजह से मैं
मुझे स्ट्राइक ना मिल जाए, उसी लिए मुझे जो नेचुरल वॉइस था वो मैं रिकॉर्ड भी की हूँ, लेकिन पीछे से हिंदी म्यूज़िक इतना ज़ोर से चल रही है जो मुझे फिर से अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और देखिए, मैंने तो अकेले वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जब हम लोग कार पे रहते हैं या अभी जो थी तो उसमें भैया थे, जोगी था और अरमानी भी था। यूजुअली अरमानी भी बहुत बात करते रहता है, और नहीं तो मैं भी करते रहती हूँ, लेकिन इधर पे मैं यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ। কি সুন্দর লাগছে না? Mom, you should go in. ये जगह बहुत सुंदर लग रहा है, ऊपर भी दिखा रही हूँ। Wow, that's beautiful. चलो ऊपर भी चलते हैं। एक बेडरूम, ब्यूटीफुल। इधर से आप नेचर देखोगे, वाह, नाइस बालकनी बेडरूम के साथ, बहुत सुंदर। इधर पे दो क्लोजेट मैं खोलती नहीं हूँ, बहुत ही ब्राइट, ब्यूटीफुल। सो दो बेडरूम ऊपर में और दो बेडरूम नीचे में। इधर पे बंक बेड और ये रूम बेड, ये भी इसमें भी बहुत सुंदर बड़ा सा विंडोज। और इधर पे दो सिंगल बेड्स, विंडो। सच में इधर से आप बेड से ही आप जंगल के एंजॉय कर सकते हो। ब्यूटीफुल प्लेस। इधर एक वॉशरूम, सो टू रूम रूम्स के लिए शेयर वॉशरूम्स।
बहुत ही सुंदर सा घर है। चलो अब देखते हैं किचन में। दादा काज कर चो किचन भी बहुत सुंदर से। ये वाला मुझे बहुत ही पसंद है, ये वाटर इधर पे। वाह, इसमें से आपको पास्ता या राइस कुछ भी बनाओगे तो पानी लेने के लिए हैवी चीज हटाने का नहीं है। ये आइटम मुझे बहुत पसंद आता है। नाइस, वेरी नाइस। और मैं ये ऊपर दिखा रही हूँ, देखिए इसे डोम जैसा बना हुआ है। और इधर पे और एक फ्रिज एंड वॉशर ड्रायर लॉन्ड्री एरिया। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर दिखा रही और मानिया दादा ने हेल्प कर रहा है सब सामान अंदर में रखने के लिए। किचन एंड लिविंग रूम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये एक्चुअली ये वाला लिविंग रूम है, ये छोटा सा ऑफिस में बनाया हुआ है। ये सेक्शन भी बहुत अच्छे हैं। कितना ब्राइट, ये नेचर के साथ रहने के लिए कोई कहीं पर भी देखे, कोई कहीं पर भी इतने सारे विंडोज में कुछ भी कर्टन्स नहीं है। कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान देने का नहीं है, कोई प्रवचन ज्ञान नहीं, प्रवचन नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। क्या बोले हैं बताइए आप। आप तो अंदर आते ना, आने के पहले ही सामान निकालने से पहले ही आप हो गए हैं अपना टूर लगाने के लिए। आपका अपना टूर लगा लगा वीडियो में कितना पैसा मिल रहा है आपको? एक भी पैसा नहीं है। तो फिर इतना ना तो घर के हाथ लगाई है आप उसमें, नहीं करिए, यही मेरा प्रवचन है आज के लिए। अगर बहुत पैसा मिलता तो अलग बात होता, पैसा मिलते नहीं, बिना बिना पैसा का उसके ऊपर से काम भी नहीं करती। राइट, शेवन में